हेलो गाइस, हाउ आर यू। इससे पहले वीडियो सीरीज़ चल रहा था, वंडर शेयर का वीडियो सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद साइबर लिंक का वीडियो क्लिप, मैंने पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। ये जो सीरीज़ है ये सोनी वेगास प्रो 13 का सीरीज़ अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आज का इस वीडियो का पहला क्लास है, इस सीरीज़ का पहला क्लास है, इसलिए इसमें सिर्फ हम लोग इंटरफेस इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा से देखेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सोनी वेगास प्रो को ओपन कर लेते हैं। अगर आपको ये दोनों सीरीज वंडर शेयर का और साइबर लिंक का आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना है, देख के सीखना है, तो इस डिस्क्रिप्शन का नीचे आपको कहीं इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए ये आपके सामने इसका इंटरफेस खुल चुका है। सबसे ऊपर में आप देखिए मेनू, एडिट, व्यू है। तो नॉर्मली तो हम लोग इसमें बहुत कम ही जाते हैं, ज़्यादातर क्विक एक्सेस टूल बार वगैरह है, ठीक है, इसको काम करते हैं। ये आपके सामने जो विंडोज़ खुला है, यहाँ पर ये वाला जो है, ये एरिया को टाइमलाइन बोले जाता है, ये वाला डिस्प्ले एरिया है, प्रीव्यू विंडो बोले जाता है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी मीडिया म्यूज़िक को इंपोर्ट करके लाते हैं, कोई भी डेटा, तो हमारे पास यहाँ आता है। और उसी डेटा को चलाने के लिए टाइमलाइन में लाने से पहले अगर हम चाहें तो इसका प्रीव्यू हम लोग इस पास वाला इसमें देख सकते हैं, विंडोज़ में देख सकते हैं। और यहाँ से कुछ और भी टूल्स है, जैसे जैसे हम लोग क्लास का आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मीडिया को इंपोर्ट करते हैं, तो मीडिया को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, फाइल में जाते हैं और इंपोर्ट में जाते हैं। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए मीडिया है, मीडिया को पर क्लिक करते हैं तो हमको जहाँ से कोई मीडिया उठाना है तो हम लोग मीडिया उठा लेते हैं। तो एक मीडिया हम लोग यहाँ से चलिए उठा लेते हैं, कोई भी ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। ये जैसे उठाते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हमारा मीडिया चले जाता है। अब इसको यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो इसको क्लिक एंड ड्रैग करके आप लाइए और यहीं से आप प्रीव्यू करके देखो, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर हमको समझ में आता है तो मैंने, तो हम लोग इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाना घटाना है तो आप अपने माउस का स्क्रॉल व्हील जो है उसको आप कम बेसी कर सकते हैं, स्क्रॉल व्हील को यूज़ करते हुए अपने माउस का। यहाँ से आप माउस से पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ वहाँ आप ले जा सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे लाते हैं तो देखिए आपका प्रीव्यू विंडोज़ जो है यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखाने लगा। अब इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पहला ट्रैक जो है इसमें हमारा वीडियो आ चुका है। अब यहीं पे अगर हमको कुछ कट करना है तो ये बहुत आसान है। कट करने के लिए पहले तो आप देख लीजिए कितना दूर तक आगे बढ़ाना है या छोटा करना है। कट करना है तो आप यहाँ से सिर्फ अपने कीबोर्ड से एस प्रेस कीजिए, ये कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ला के आप यहाँ पर इसको एस प्रेस करिए, ये कट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल जेड करके आप फिर से अपना पहले वाला अवस्था में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है, ये आपका वीडियो फाइल है, ये आपका ऑडियो फाइल है। अगर आप चाह रहे हैं कि ऑडियो फाइल ना रहे सिर्फ वीडियो फाइल रहे तो इसमें को क्या करना पड़ेगा, ऑडियो को पर क्लिक करके यू प्रेस करना है, ठीक है। ऑडियो को पर करके हम लोग यू प्रेस करते हैं और ऑडियो को सिर्फ हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं और ऑडियो को जहाँ काटना है आप वहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर कंट्रोल जेड करके वो आप वापस भी ला सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला फ़िलहाल अलग है, कंट्रोल जेड करते हैं हम लोग तो ये देखिए फिर एक साथ ये जुड़ जाएगा, सॉरी कंट्रोल जेड, देखिए एक साथ जुड़ जाता है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसी के ऊपर अगर हम लोग कोई लेआउट लाना चाह रहे हैं इसी के ऊपर, तो यहीं पे खाली जगह में कहीं आप राइट क्लिक कीजिए और
इंसर्ट वीडियो ट्रैक में क्लिक कीजिए तो आपको और एक वीडियो ट्रैक यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर ही आप कोई ओवरले ला सकते हैं वीडियो के ऊपर, कोई वीडियो या पिक्चर या कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरा बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी थोड़ा से यहीं पे, अगर आप चाहते हैं लास्ट में, अगर सब कुछ हो जाने के बाद, और भी इसका बहुत सारा क्लास चलने वाला है, लास्ट में अगर सब कुछ हो जाएगा तो आपको यहाँ से आपको अगर इसको ये करना है डिलीट ट्रैक, तो इसको पर क्लिक करिएगा तो ट्रैक आपका डिलीट हो जाएगा। लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद एकदम कॉर्नर में देखिए येलो कलर का छोटा ऐसा एक बटन आपको मिलता है, इसको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको, जहाँ तक आप वीडियो चाहते हैं, यहाँ तक अगर चाहते हैं तो यहाँ तक सेव करना चाहते हैं तो यहाँ होगा यहाँ तक, नहीं तो पूरा वीडियो चाहते हैं तो पूरा वीडियो, इस तरह से आप इसको पकड़ के तभी आप सेव कर सकते हैं या रेंडर कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद जब पूरा क्लास हो जाएगा तो यहाँ जाने के बाद वीडियो, और यहाँ से फाइल में जाकर रेंडर एस करना है। रेंडर एस करने के बाद आप यहाँ से, मैं रिकमेंड करता हूँ 8 Mbps HD ये वाला, इसको पर क्लिक करना है और यहाँ से रेंडर कर देना है। तो फिलहाल हम रेंडर नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आप करते हैं। खैर आज ये पहला क्लास था, आज पहला क्लास था, इसके बाद हम लोग छोटे छोटे ट्रिक्स इसी के ऊपर जो है, टेक्स्ट इंसर्ट करना, इफ़ेक्ट लाना, ट्रांजिशन लगाना, ये कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे होगा, ये सब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू वीडियो का सीरीज़ देखिएगा तो आपको मोटा मोटी नॉलेज तो हो ही जाएगा वीडियो एडिटिंग का। चलिए आज के लिए इतना ही।